हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे अपनी प्लस वन क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, होर्नबिल बुक का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। जो खुशवंत सिंह है वो इंडियन राइटर है। इसमें जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो करेक्टर जो टाइटल क्या है, लेडी कौन है यहाँ पे, खुशवंत सिंह की जो हमारे राइटर है उन्हीं की ग्रैंड मदर है। ठीक है, उसका पोर्ट्रेट मतलब उसका करेक्टर स्केच हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको बहुत फर्स्ट टाइम ही आपको समझ में आ जाएगी। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर एंड वॉज एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, वो कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, और जैसे हर किसी की ग्रैंड मदर होती है, देखो हम सबकी ग्रैंड मदर होती है ना, तो वो कहते हैं कि वो मतलब कैसी थी, ओल्ड वुमेन थी। अब सबकी ग्रैंड मदर, हम जिस हमारी एज में जितने भी ग्रैंड मदर्स होंगे सबकी, तो क्या होगी, ओल्ड तो होंगी, नेचुरल सी बात है। तो इसी तरीके से जो ऑथर है वो कहता है कि सबकी मतलब की तरह जो मेरी दादी थी वो भी ओल्ड थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और वो ये क्या कहते हैं कि भाई जो उनकी दादी है ना, वो 20 साल से मतलब जैसे 20 साल के जैसे ओथर हुए हैं, तो 20 साल से वो अपनी दादी को उसी तरीके से देख रहे हैं कि वो ओल्ड ही है, और उनके फेस रिंकल्ड रिंकल्ड क्या झुर्रियां हो जाती है ना, इससे ओल्ड एज में हो जाती हैं। तो उसी जब से उन्होंने देखा है ना, उनको समझ आई है अपनी दादी की, तो तब से उनकी दादी मतलब ओल्ड है। ठीक है, रिंकल्ड फेस ही है। पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रीटी एंड हैड एवर हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। और वो कहते हैं कि लोग जैसे कहते हैं कि उनकी जो दादी थी यंग एज में बहुत सुंदर थी जब उनकी शादी हुई। ठीक है, जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत सुंदर थे। ठीक है, और मतलब उनको इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन अ ड्रॉइंग रूम। और मेंटल पीस क्या होता है, जैसे पुराने जमाने में मतलब क्या, हमने टीवी में भी देखा है कि जैसे पुराने पुराने घरों में क्या होता था कि जो ऐसे वो स्टेयर्स होती है ना, उसके नीचे जहाँ पे आग वगैरह जला देते हैं, तो उसके ऊपर एक वुडन का एक शेल्फ होता है, वुडन के शेल्फ के ऊपर कोई ना कोई पिक्चर लगी होती है। तो ठीक है, इसी तरीके से ड्रॉइंग रूम में एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ था, किसका था, वो ग्रैंडफादर जी का था। ही वोर अ बिग टर्बन, और उन्होंने एक बड़ी टर्बन डाली हुई थी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और खुले कपड़े डाले हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और जब उन्होंने उनकी फोटो को देखा तो उसमें लॉन्ग मतलब कि लंबी व्हाइट कलर की उनकी बियर्ड थी, चेस्ट तक का पार्ट कवर किया हुआ था, और उनकी फोटो को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कम से कम 100 ईयर्स के तो होंगे ही। ठीक है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। उनकी फोटो को देख के उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे उनके कोई बच्चे या फिर कोई मतलब सॉरी ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स, मतलब कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बहुत भी आगे बच्चों के भी बच्चे हो रहे होंगे, बिल्कुल ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब कि खुद के वाइफ और बच्चे नहीं, मतलब कि आगे से आगे जनरेशन होगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब क्या, हार्ड टू बिलीव, कि जैसे उनको ये था कि भाई जैसे उनकी जो दादी है वो कभी सुंदर भी थी, तो जब ये थॉट आता था तो उनके लिए बहुत रिवोल्टिंग हो जाता था, विश्वास नहीं होता था ये। एंड दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड। अब्सर्ड क्या होता है, इलॉजिकल। ठीक है, वो उनको क्या लगता था, इलॉजिकल लगता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और जब भी इस बारे में वो जब भी सोचते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जो दादी है ना, कि ऐसा लग रहा है कि कोई कहानियां सुना रही है। इसे पहले एक लाइन मैंने मिस कर दी, ये है ना, शी ऑफन टोल्ड अस, कि वो हमें हमेशा बताया करती थी कि वो बचपन में खेला भी करती थी। ठीक है, जब वो बच्ची थी, तो इस बात से वो कहते हैं कि ऐसा इलॉजिकल लगता है, अनडिग्निफाइड लगता है, और हमें ऐसा लगता था कि जैसे वो एक कहानियां सुना रही है, प्रोफेट्स मतलब जैसे रिलीजन से वो स्क्रिप्चर से रिलेटेड जो कहानियां हमें सुनाया करती थी, ऐसा लगता था ऐसे स्टोरी सुना रही है, मतलब कि सच्ची बात नहीं है कि वो खेला करती थी कभी। तो शी हैड ऑलवेज बिन वी शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब हमें उनके जो उनका फिजिकल अपीयरेंस का बता रखा है जो राइटर ने हमें, कि वो हमेशा शॉर्ट मतलब हाइट कम थी, फैटी थी, थोड़ा स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकी हुई थी। तो हमें मतलब माइंड में अपनी इमेजिनेशन कर ले कि वो किस टाइप से थी दिखने में। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ठीक है, और जैसे जब भी वो इधर से उधर कहीं भी जाया करती थी, उनके जो फेस पे क्या है कि हमेशा रिंकल्स ही नजर आते थे। तो जो इस चैप्टर में जो ग्रैंड मदर का जो करेक्टर स्केच है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो करेक्टर स्केच में आप ये तो बताओगे ना कि शी वाज शॉर्ट एंड फैट एंड मतलब कि हर फेस वाज फुल ऑफ द रिंकल्स। तो ये 3 लाइन्स हमें यहीं से मिल गई हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है हमारा, नो
वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि मतलब पोइट कहते थे कि मतलब सॉरी राइटर कहता था कि मतलब कि जब से उसने देखा था मतलब कि वो वैसे ही थी, मतलब कभी सुंदर नहीं उसने उसको देखा. एंड ओल्ड एंड सो टेरिबली ओल्ड शी कुड हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड सीन एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, कि जब से उसको राइटर देख रहा है वो 20 ईयर्स से मतलब वो सेम ही दिखाई दे रही है, जैसे मतलब कि ज्यादा मतलब कि ना तो छोटी थी ना ही बढ़ रही है, मतलब कि सेम उसको वैसा दिखाई देती है उसकी दादी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, उसको ऐसा लगता है कि वो कभी सुंदर थी ही नहीं, बट शी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल का मतलब क्या है कि जैसे उसकी दादी मतलब कि इंटरनली बताया हुआ है कि उसकी जो दादी बाहर से तो चलो ठीक है जैसे, लेकिन इंटरनली बहुत कहती सुंदर थी, ठीक है यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे इंटरनली बताया हुआ है. शी होबर्ड, होबर्ड क्या होता है, जब ऑकवर्ड तरीके से चलते हैं अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और ये बताया गया जो मेन चीज है कि जब भी जैसे उसकी दादी दिखने में तो सुंदर नहीं थी, लेकिन हमेशा वो क्या करती, झुक के चलती थी और उसका एक हाथ पीछे रहता था ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके बॉडी को. दूसरा हाथ कहाँ पे रहता था, मतलब कि जो माला होती है ना, जो ओल्ड लेडीज जो जपती हैं वो माला अपने हाथ में रखती थी हमेशा, ठीक है. तो इस तरीके की सिचुएशन हमें क्रिएट कर दी है राइटर ने. और हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स क्या है, उसके बाल हैं, हेयर है, सिल्वर कैसे हैं कि बिल्कुल व्हाइट थे तो सिल्वर से कंपेयर किया गया. वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल ऑफ हर रोजरी सॉरी ऑफ हर पे पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, ठीक है. पकर्ड का मतलब क्या, तो जैसे जो फेस जैसे रिंकल से भरा हुआ होता है, तो वो हमेशा जो उसके बाल होते थे वो बिखरे हुए होते थे उसके फेस के ऊपर, रिंकल जो फेस भरा हुआ था, जो लिप्स थे वो लगातार इनऑडिबल ऐसे प्रेयर बोलते रहती थी कि सुनना ही नहीं देती थी किसी को, लेकिन बोलती रहती थी, ठीक है. यस शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन राइटर क्या कहता है, लेकिन वो बहुत सुंदर थी इंटरनली, ठीक है. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और उसको देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे विंटर में जब हम जाते हैं ना माउंटेन में, जो जिस टाइप का व्हाइट व्हाइट होता है, क्योंकि व्हाइट साड़ी डालती थी जो बिल्कुल स्पॉटलेस होती थी, ठीक है. हेयर भी बिल्कुल व्हाइट थे, तो बिल्कुल ऐसा लगता था व्हाइट, मतलब कि जैसे लैंडस्केप की तरह लगती थी माउंटेन में जैसे होता है. एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी का तो बिल्कुल व्हाइट शांति होती दिखाई देती थी. ब्रीदिंग स्पेस एंड कंटेनमेंट, और उसको देख के ऐसा लगता था जैसे उनको बहुत शांति है, बहुत संतुष्ट हैं वो अपनी लाइफ से, ठीक है. उनको देखने के बाद ऐसा फील होता था. फिर क्या, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, फिर हमें क्या पता चलता है, जो आई कौन है, हमें राइटर खुशवंत सिंह ही हैं, जो कि मैं और मेरी जो दादी थी वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कि जब मेरे जो पेरेंट्स थे जब वो सिटी में चले गए थे तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम इकट्ठे थे, मतलब कि लगातार वो साथ में थे. शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, जिसकी दादी थी वो उसको उठाया करती थी सुबह, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती थी. एंड शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेथ, और वो जैसे मतलब कि एक सॉन्ग, मतलब कि मोनोटोनस मतलब कि क्या है, मतलब कि जैसे सैडनेस वाला बोलता ना, बोरियस से हो जाते हैं, तो शी जब वो मुझे नहलाती थी तो वो गाना गाया करती थी. एंड ड्रेस एंड आगे क्या है, एंड दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो ये चाहती भी थी कि भी मैं उसको बहुत ध्यान से सुनूं, ठीक है. और मैं सुनता भी था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बोदर टू लर्न इट, कहता वो मैंने कभी बोदर नहीं किया कि मैं कभी उसको लर्न करूँगा. एंड देन शी वुड फैच माई वुडन स्टेल, यहाँ पे थे ना, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, और तब वो क्या करती थी जैसे मुझे नहला देती थी, तैयार करती थी, फिर उसके बाद एक वुडन की जो स्लेट थी वो ले लेती थी. एंड हमेशा उसको धो के रखती थी, प्लास्टर्ड करती थी येलो चौक के साथ, एक टाइनी मतलब एक इंक पॉट भी था हमारे पास, एंड रेड पेन था, टाइट देम ऑल इन अ बंडल, सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर लेती थी और हैंड टू टू मी, और फिर मुझे दे देती थी. एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थी, और जैसे काफ़ी मतलब मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद वो क्या करती थी, स्टेल चपाती उस पर कुछ थोड़ा बटर लगा लेती थी और उसमें कुछ शुगर स्प्रेड कर लेती थी, और हम दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे. और वो हमेशा जो पुरानी जो स्टेल क्या था बासी जो चपातीज होती थी वो मतलब अपने साथ वो विलेज में डॉग्स के लिए लेके जाया करती थी, ठीक है. तो ये सीन हमें याद रखना है, जिसका करेक्टर स्केच है उसके जो ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप है, तो हमें ये सब चीज़ें लिखनी है कि वो शी यूज टू वेक अप एंड शी ऑलवेज यूज टू मतलब कि गेट मतलब कि शी ऑलवेज हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी, ठीक है. तो सब बताना है हाँ आपने, और फिर वो मतलब कि जाया करते थे साथ में स्कूल के लिए इकट्ठे, ठीक है. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज ऑफ द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. और जब ये ना फेज फर्स्ट में हम लेके चलते थे अलग अलग फेजेस हैं इस लेसन में, तो फर्स्ट फेज भी यही है
कि जो उसकी दादी और वो जो उसका ग्रैंडसन था वो हमेशा इकट्ठे रहते थे, ठीक है, इकट्ठे ही वो स्कूल में जाया करते थे, ठीक है। और जो क्योंकि स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, द प्रिस्ट टोटस द अल्फाबेट, जो प्रिस्ट था वो उनको अल्फाबेट सिखाया करता था एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन कॉरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। क्या होता था, जिस स्कूल में, जो छोटा सा स्कूल था, वहाँ पे जो बच्चे एक रो में बैठ के सभी इकट्ठे वरेंडा में अल्फाबेट बोला करते थे साथ में, जो मेरी जो दादी थी वो मंदिर में अंदर जाके वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर रीड किया करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब जैसे हम फिनिश कर लेते थे तो हम वापस इकट्ठे आ जाते थे। दिस टेम्पल द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और फिर क्या होते थे उसी टाइम विलेज में जो डॉग्स हुआ करते थे वो टेम्पल के डोर पे आके हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू होम ग्रोलिंग, होम ग्रोलिंग क्या होता है, जैसे डॉग हमें देखते तो मतलब घुराना शुरू कर देते हैं ना, फाइटिंग विद ईच अदर फॉर चपातीज वी थ्रू टू देम, जैसे वो चपाती डाल देते थे, जो कुछ डॉग्स होते हैं आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जैसे उसके पेरेंट्स को छोड़ के चले गए थे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेट हो गए थे, दे सेट फॉर अस, तो उन्होंने मतलब कि फिर हमें कहा कि भी हमें वहाँ पे भेजा गया, सिटी में भेजा गया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये जो पॉइंट था जब वो सिटी में चले गए थे तो उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कैसे जो पॉइंट मतलब कि कैसे उनकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट कैसे था, बिकॉज दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटी, ठीक है। और ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, कि अब जैसे हम एक रूम शेयर तो करते थे, लेकिन अब हम जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा मतलब कि मेरे साथ स्कूल में नहीं जाया करती जैसे उसकी दादी पहले जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और अब वो इंग्लिश स्कूल में उसका एडमिशन हो गया था, मोटर बस में उसे जाना होता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, मतलब कि गली में कोई अब उनके डॉग्स नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, और जो उसकी दादी थी वो क्या करती थी, कोर्ट यार्ड में, जो उनकी सिटी हाउस में जो कोर्ट यार्ड था वहाँ पे स्पैरोज को फीड कराती थी, ठीक है। एज द ईयर्स फॉलोड बाय वी सो लेस ईच ऑफ ईच अदर। तो अब ये उनका लाइफ का सेकंड फेज शुरू हो जाता है, फर्स्ट फेज में यहीं तक था जब वो गांव में थे, सेकंड फेज कब शुरू होता है, जब वो सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो उनकी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे को देख सकें। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो वो हमें मुझे उठाती भी थी, ठीक है, रेडी भी करती थी, लेकिन व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। लेकिन जब वो अब यहाँ पे ये चीज़ अलग हो गई है, अब वो साथ में जाती है, लेकिन जब वो स्कूल से आता है तो उसकी दादी से पूछती है कि तुमने स्कूल में क्या किया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे बताता था कि मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं जो वेस्टर्न साइंस की हैं, लर्निंग की, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बींग राउंड एटसेट्रा, की जो दुनिया हमारे आसपास है उसके बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब चीज़ें उसको अनहैप्पी कर देती थी, सैड कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्यों हेल्प वो सैड हो जाती थी, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें पता नहीं थी, तो इसलिए वो मतलब कि अनहैप्पी फील करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और उनको ना ये चीज़ पसंद भी नहीं थी कि जो इंग्लिश स्कूल में जो ये चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, वो हमेशा इस चीज से अनहैप्पी रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, कि यहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये चीज भी आ जाती है, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या उसकी दादी को मतलब कि वो जो मैथ्स है, साइंस है, चीज़ें पसंद थी या नहीं पसंद थी, तो नो ही आएगा, ठीक है। अब लाइक क्या करती थी, गॉड और स्क्रिप्चर की स्टडी पसंद करती थी, ये ध्यान रखना है आपने। वन डे आई अनाउंस दैट वी हैव बीन गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैंने बताया था कि उनको कि हमें ना म्यूजिक के लेसन्स भी दिए जाते हैं, तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। टू हर एंड नॉट मेड फॉर, यहाँ पे एक मिनट ये लाइन रह गई, वन डे अनाउंस की हो गया, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो परेशान हो जाती थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि इन डॉल्स एंड मतलब कि ये चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है, और उसको ऐसा लगता था इट वॉज अ मोनोपली ऑफ द हार्लोट्स एंड बैगर्स। हार्लोट्स कौन का अगर एग्जैक्ट वर्ड अगर आप डिक्शनरी देखो तो प्रोस्टिट्यूट्स बोलते हैं, कि वो प्रोस्टिट्यूट्स जो बैगर्स होते हैं, कि भीख मांगने वाले लो कास्ट के जो लोग होते हैं, उनके लिए है मतलब ये मतलब म्यूजिक उनके लिए होता है, नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, जो मतलब कि जो जेंटल जो लोग होते हैं ना उसके लिए होता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब उनकी जैसे वो इतने पुराने हैं विचारों के हैं, तो पुराने टाइम में तो लोग ऐसे ही होते थे ना, तो इस तरीके से मेंटेलिटी बनाते थे कि जो गाना गाने वाले लोग होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन जब कुछ नहीं कहती थी तो इसका मतलब क्या है, डिसअप्रूवल। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो हम चुप रह जाते हैं, तो हम चुप का मतलब क्या होता है कि मतलब वो चीज़ में हम पसंद नहीं है, ठीक है, डिसअप्रूवमेंट दे रहे हैं अपनी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और वो मुझसे मुश्किल से ही बात किया करती थी।
व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी. अब वो जब राइटर हमारा खुशवे सिंह बड़े हो जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो मतलब थर्ड वे शुरू हो जाता है उनकी लाइफ का. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और मुझे अपना ही रूम दिया गया. अब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसको अलग रूम मिलता है ना. तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब जो उनका जो एक मतलब कि रिलेशनशिप था वो फ्रेंडशिप का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. और मेरी ग्रैंड मदर ने भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई वो बड़ा हो गया है, अब उसको एक अलग से रूम चाहिए. उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है, शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील. और वो हमेशा क्या करती थी, अपने आप को एक स्पिनिंग व्हील होता है जिसे वो आपने देखा होगा, जो जिसपे वो क्या बोलते हैं उसको, धागा वगैरह नहीं बुनते हैं, ठीक है, चरखा, सॉरी चरखा होता है ना, चरखे टाइप पे, वो उस पर ही लगी रहती थी सुबह से, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सुबह से लेके शाम तक. शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वो हमेशा उसी पे बैठी रहती थी अपने स्पून व्हीलिंग पे, रिसाइटिंग प्रेयर, और वो प्रेयर गाती रहती थी. ऑल इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ वो सुबह से लेके शाम तक यही काम करती थी, लेकिन बीच में वो आफ्टरनून में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए स्पैरो को फीड किया करती थी, खाना खिलाती थी. Why she sat in the veranda breaking the bread into the little bits. और जब वो वरेंडा में बैठ के उनकी छोटी छोटी बाइट करके हंड्रेड ऑफ लिटल बर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाती थी राउंड हर, क्रिएटिंग अ वर्टिबल बैडलम्स ऑफ चर्पिंग. वर्टिबल बैडलम ऑफ चर्पिंग का मतलब क्या होता है कि जब काफ़ी सारे स्पैरोज आ जाते हैं तो आपस में उनमें कॉम्पिटिशन सा हो जाता है कि मैंने खाना मैंने खाना, तो इस टाइप की नॉइस वहाँ पे हो जाती थी. ठीक है, सम केम, कुछ आती थी, कुछ पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पे बैठ जाती थी वो स्पैरोज. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पे भी बैठ जाती थी, क्योंकि उन स्पैरोज को भी अटैचमेंट हो गई थी, वो डेली उनको फीड कराती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, मतलब कि वो स्माइल तो करते थे लेकिन कभी ये नहीं होता था कि उनको भगा दे वो वहाँ से. इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ ईच ऑफ द डे फॉर हर, और वो उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे होता था, मतलब कि हैप्पीएस्ट डे का पार्ट होता था, जैसे पूरे दिन में सबसे अच्छा काम उसको, सबसे खुशी का दिन वो उसके लिए वही होता था जब वो स्पैरो को फीड कराती थी. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है. वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, और जब राइटर ने डिसाइड किया, खुशवंत सिंह ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. और उसको ये लग रहा था कि अब तो मेरी दादी ना बिल्कुल अपसेट हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि 5 साल के लिए जो राइटर था वो जा रहा था. एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब क्या है कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब जैसे, बट माई ग्रैंड मदर कुड, उसको ऐसा लग रहा था कि अब जैसे 5 साल के तो वो जाएगा, अब इतनी दादी उसकी इतनी बूढ़ी होगी कि अब तब वो उसको मिले या ना मिले, है ना, बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी दादी वहीं पे होती जब वो 5 साल बाद आता है. शी वॉज नॉट इवन अ सेंटीमेंटल, बल्कि वो इमोशनल भी नहीं हुई थी बिल्कुल. इससे हमें ये पता लगता है कि जो उसकी दादी है वो, उसका जो करेक्टर है वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग है. शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन में उसको छोड़ने आती है, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसे कोई बात नहीं करती है ना ही कोई इमोशन शो करती है. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, जो उसके लिप्स होते हैं वो प्रेयर गाते होते हैं. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो माइंड होता है वो प्रेयर में ही गुम होता है. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, जो उसकी फिंगर्स होते हैं वो माला जपने में उसके वो कर बिजी होते हैं. साइलेंटली शी किस माई फोरहेड, वो साइलेंटली मेरे फोरहेड को किस करती है. वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट, और जैसे वो मतलब चले गए थे तो वो कह रहे हैं मॉइस्ट इम्प्रिंट का, जैसे किस करता है ना थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो वो उसको फील करता है कि वो उसकी मतलब कि वो सोचते हैं कि भाई एक लास्ट इंप्रेशन होगा उसका और उसकी ग्रैंड मदर का, जो फिजिकल कॉन्टेक्ट का, कि जब उसने उसको उसकी ग्रैंड मदर उसके फोरहेड पे किस किया. ठीक है, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, और जब राइटर है जो हमारा 5 years के बाद वापस आता है, वो इज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब वो उसको अपनी दादी को स्टेशन पे मिलता है, शी डिड नॉट लुक एट अ डे ओल्डर, उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी दादी एक दिन भी बूढ़ी हुई है. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसको अभी भी उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं मिले थे. एंड वाई शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, क्लैप्स क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा मतलब कि टाइटली पकड़ लेते हैं उसको. ठीक है, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था कि वो अभी भी ना कि प्रेयर ही बोल रही है. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरेवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द हर स्पैरो होम शी फेड लॉन्गर विद फरविलस रिबुक्स, मतलब कि बेशक से मैं आ गया था लेकिन उसकी दादी के लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था कि जब वो अपना टाइम स्पैरोज के साथ स्पेंड करती थी. फरविलस रिबुक्स का मतलब क्या होता है कि वो उनको मतलब कि जैसे डांट रही होती है लेकिन लाइटली मूड में उनको पीछे कर रही होती है. ठीक है, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को क्या होता है एक चेंज आता है. शी डिड नॉट प्रे, पहली बार ऐसा हुआ था उनके साथ लाइफ में कि वो प्रे नहीं करती है उस दिन.
शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और वो क्या करती है, जो नेबरहुड की जो लेडीज होते हैं उनको कलेक्ट कर लेती है, गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम ले लेती है और स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्केल्स ऑफ द डिलिपिटेड ड्रम। डिलिपिटेड ड्रम का मतलब जो जो ड्रम मतलब कि जैसे उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है बहुत अच्छे से नहीं होता, मतलब कि ठीक है स्टेबल नहीं होता। हैड संग सॉरी यहाँ पे क्या है, एंड सिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर। और जैसे कोई वॉरियर क्या होता है, जैसे कोई युद्ध में से जैसे लड़के आता है, योद्धा आता है, तो क्या होता है कि खुशी का माहौल होता है ना घर में, तो इसी तरीके का वो माहौल घर में मतलब कि क्रिएट करती है। और वो एक लेडीज को इकट्ठा कर लेती है, ड्रम लेकर आती है और उसको बजाना शुरू कर देती है। वी हैव टू परस्यूड हर, कि हमने मनाने की कोशिश भी की, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो काफ़ी टाइम से बजा रही है कि वो कि इतना मतलब कि ओवर ना करें वो, ठीक है ओवरडूइंग ना करें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये ऐसा पहली बार होता राइटर ने जब मतलब कि नोटिस किया था कि फर्स्ट टाइम था कि जब वो प्रे नहीं करी थी, अदरवाइज कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो प्रे नहीं करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है वो बीमार हो जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि मतलब कि डॉक्टर ने तो हमें बताया था कि थोड़ा हल्का फुल्का सा बुखार है और वो ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने तो थोड़ा इसको डिफरेंटली सोच लिया। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने क्या सोचा कि जो उसका एंड है वो बिल्कुल नियर है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसको पता लग गया था कि भाई उसकी लाइफ के जो लास्ट जो चैप्टर के कुछ आवर्स रह गए हैं, ठीक है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वो अब प्रे नहीं छोड़ना चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो उसको ये हो गया था कि मुझे बिल्कुल भी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड कि उन्होंने उसके घर वालों ने प्रोटेस्ट भी किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया कि घर वाले तो चाहते थे कि हमसे बात करें, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। शी ले पीसफुली इन द बेड, वो आराम से बेड पे लेट जाती है, प्रे करना शुरू कर देती है, टेलिंग हर बीट्स, मतलब कि अपनी माला जपती रहती है लगातार। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हम थोड़ा शक करते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, जो उसके लिप्स होते हैं वो मूव करना ही स्टॉप कर देते हैं, मूव करना ही स्टॉप मतलब कि मूव ही नहीं करते हैं। एंड द रोजरी फैल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, जैसे फिंगर्स में से उसकी जो रोजरी होती है, जो उसकी माला होती है, वो नीचे गिर जाती है। हर एंड अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक अनहेल्दी सा फेस जैसे डेड बॉडी का हो जाता है वैसा हो गया था। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता लगा था कि वो अब नहीं है, शी इज़ नो मोर, ठीक है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया, एज इट कस्टमरी, जैसे एक प्रथा होती है ना, रीति रिवाज होता है कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है तो उसको बेड पे नहीं रखते, फिर हमने उसको ग्राउंड पे लेटाया, कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, एक रेड कलर का जो मतलब श्राउड कफन होता है ना, तो उससे उसको कवर कर दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, आधे घंटे तक उन्होंने शोक मनाया और फिर उसके बाद जो फ्यूनरल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं वो किए। फ्यूनरल आपको पता है दाह संस्कार को बोलते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमिटेड, और फिर शाम को जब हम इस रूम में गए, क्रूड स्ट्रेचर क्या होता है, जैसे उसको लेके जाने के लिए डेड बॉडी को, तो वो लेकर आए उसको ताकि उसको क्रीमेट किया जाए, मतलब कि दफनाया जाए बॉडी को। द सन वॉज सेटिंग, जो सूर्य था मतलब सूरज था वो छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और जैसे शाम को जैसे क्या होता है सनलाइट थोड़ा सा धीमी सी आ रही थी ना और रूम्स में आती है, तो वरेंडा में से विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम जैसे कुछ टाइम के लिए कोर्टयार्ड में बैठे। ऑल ओवर द वरेंडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोस हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जहाँ पे वरेंडा में मतलब कि जब उसको लिटा लिया था उसकी बॉडी को और उसको कवर कर दिया था, तो वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं फ्लोर पे। देर वॉज नो चर्पिंग, और बिल्कुल भी कोई भी चर्पिंग नहीं होती है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने मतलब कि बर्ड्स के लिए भी सॉरी फील किया। एंड माई मदर फैश सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मम्मी उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई, जैसे डेली उनको खिलाते थे ना, तो आज मेरी मदर लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स का तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू टू दैम, और जिस तरीके से मतलब उसको ब्रेड्स को इसी तरीके से छोटे टुकड़े करे कि जैसे उसकी दादी ने मतलब उसको किया करती थी ब्रेड्स को। बट मतलब देखो देखने वाली बात है इसमें, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पैरोज मतलब कि देखो ह्यूमन मतलब कि जो ह्यूमन बींग तो होते हैं एंड इमोशनल, लेकिन देखो ना एनिम बर्ड्स भी मतलब कि जो एनिमल क्रिएचर होती है, बर्ड्स क्रिएचर होती है,
तो उसमें भी देखो कितना होता है कि टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, उन्होंने कोई ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड बाय माय ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जैसे ही वो उनकी ग्रैंड मदर को उठाकर लेकर गए ना उसके कॉर्प्स मतलब शव को, डेड बॉडी को, तो वो भी आराम से शांति से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो स्वीपर जैसे आते ही है ना, तो स्वीपर आते हैं और जो ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए थे उनको वो डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। और आई होप आपने ये स्टोरी बहुत इंजॉय की होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें जो मतलब कि क्या होता है, जो ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड सन की रिलेशनशिप का, उनकी जो बॉन्डिंग है उसको बताया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, किस तरीके से वो दूर हुए, और किस तरीके से जो उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके लाइफ में फिर चेंज आता है, जो लास्ट मोमेंट उसके कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।